दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यदि जिनका पेमेंट मार्च तक कंप्लीट हो चुका है वो आप ऐसा करें 181 पर अप्रैल पेमेंट के जो बिल है उसके लिए आप शिकायत दर्ज करवा दें रोजगार कार्यालय के नाम, ठीक है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है जो पेमेंट जो होता है बिल जारी किया जाता है जयपुर हेड ऑफिस से, उसको आपको पेंडिंग में रख दिया जाता है, ठीक है ना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो रोजगार कार्यालय है उसके ऊपर क्या है प्रेशर बना रहता है, जिससे वो आपके बिल को जल्दी सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे बिल जारी होता है उसके बाद आपका बिल भी जारी कर दिया जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है बिल जारी होने के बाद भी आपका जो बिल है उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है, आने वाले अगले महीने में उसको फिर जारी किया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा ही करें कि रोजगार कार्यालय के नाम आप अप्रैल बिल के लिए एक शिकायत दर्ज करवा दें, ताकि आपका भत्ता है वो जल्दी जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा पास होने के बाद, ठीक है। और ये पेमेंट साथियों जल्दी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ इसमें संशोधन है 4500 व 3500 के अकॉर्डिंग। इसमें अभी एक संशोधन होना बाकी है कि भाई जो नियम तो ये था कि जो इंटर्नशिप है लागू होनी थी उसके बाद 4500 का जारी किया जाना था, लेकिन इंटर्नशिप लागू नहीं हुई, तो या तो 3500 या 4500 का ही इनमें से एक कौन सा जारी होगा। तो पूरी संभावना बनी हुई है कि जो पुराना बिल है उसके अकॉर्डिंग जारी किया जाएगा। धन्यवाद।